हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो गाइस, अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और मैं अराउंड 7 बजे उठ गया था, लेकिन एक घंटे से मैं घर पे ही हूँ। अपनी जो वीडियो एडिटिंग वगैरह के काम है वो सब खत्म कर रहा हूँ, बिकॉज सुबह 7:30 तक मैं जिम जाता हूँ और 7:30 को थोड़ा रश रहता है। जो सुबह की पब्लिक रहती है, जो सुबह आई रहती है, वो काफ़ी रश रहता है, तो मेरे को स्टैंड रख के शूट करने में नहीं जम पाता। तो मैं सोचा हाफ एन आवर लेट जाता हूँ, थोड़ा जो 2-4 लोग हैं वो अगर चले गए रहेंगे तो आराम से शूट कर पाऊँगा। सो आज है हम लोग का चेस्ट एंड ट्राइसेप्स, तो चलते हैं फटाफट चेस्ट एंड ट्राइसेप फिट करते हैं। अभी निकलूँगा 8 बजे। और जिम जाने से पहले मैं वैसे नॉर्मली कुछ खा के नहीं जाता, लेकिन ये पीनट बटर की चिक्की ले लिया हूँ। ये चेक करो, यहाँ पे ये न्यूट्रिस की पीनट बटर चिक्की, ये खाते हैं थोड़ा एनर्जी के लिए और चलते हैं अपना जिम जो है स्टार्ट करते हैं, वर्कआउट स्टार्ट करते हैं और मिलता हूँ आप लोग से सीधा जिम चल के। यार गाइज, अब चेस्ट का आप फील देखो, कटिंग देखो भाई, नेक्स्ट लेवल पंप आ रहा है, नेक्स्ट लेवल फिजिक अब हो रही है। बस एक ही चीज़ की कमी है, वो है थोड़ी सी गेनिंग, मसल गेनिंग। अभी वेट मेरा 64 है, मुझे एनी हाउ 75-80 केजी जाना है और फिर मेरी आप एस्थेटिक लुक और जो मेरी फिजिक होगी वो चेक करना किस लेवल की होगी। बट मज़ा आ रहा है गाइज। सर गाइज, मैं जिम से आ चुका हूँ और आज का वर्कआउट
भी मज़ेदार था बिकॉज जो चेस्ट पे पंप आया ना, और आज अब धीरे धीरे करके जो चेस्ट का जो लिफ्टिंग मूवमेंट है वो थोड़ा अच्छा हो रहा है, लाइक सेल्फ प्रॉपरली 25 kg मैं लिफ्ट कर ले रहा हूँ। सो हो चुका है वर्कआउट ख़त्म, ट्राइसेप के 2 वेरियंट लिए, चेस्ट के 3 वेरियंट लिए, 5 वेरियंट में वर्कआउट ख़त्म हो गया। सो अभी फ़िलहाल कल वाली मील आ चुकी है, ये चेक करो, ओट्स की मील जो हम लोग ने बना कर रखी थी फ्रीज में, और अभी इसका टेक्सचर देखो एकदम ठीक हो चुका है, और ये बीच बीच में वो एलमंड्स जो मैंने ऐड किए थे। सो नॉर्मली बेसिकली ये वही मील हो रही है जो मैं शेक में डालता हूँ। शेक में भी मैं ओट्स डालता था, वे प्रोटीन डालता था, दूध डालता था, एलमंड्स डालता था, शुगर डालता था। सो पांचों चीज़ सेम मैंने यहाँ पे डाल के बनाया है। जस्ट मैं रील का जो रील्स पे जो बड़े बड़े बिल्डर्स का आता है ना डाइट के टिप्स, वो मैंने बस फॉलो किया, बट मुझे लग रहा नहीं है मैं ये कंटिन्यू एक भी दिन कर पाऊँगा, बिकॉज इसमें क्या सीन हो रहा है कि जो ओट्स रहता है वो कच्चा है, ठीक से फूला नहीं है, तो मैं ये खा नहीं पाऊँगा। मैं एक तो पहले ही स्लो ईटर हूँ, बहुत स्लो खाना खाता हूँ, सो ये खाने में मुझे 1.5 घंटा लग जाएगा ख़त्म करने में। सो टेस्ट करता हूँ, आज के दिन मैनेज करता हूँ बना लिया हो तो। कल से हमारा ओट्स ही, ओट्स शेक ही बेस्ट है, ये सब के लिए राम राम। चलता हूँ अभी ये मील ऐसे तैसे फिनिश करता हूँ, और फिर नहा धो के कल वाली ब्लॉग एडिट करके अपलोड करके मैं मिलता हूँ आप लोग से। चार गाइस, मैं नहा धो के हो चुका हूँ, रेडी अपने ऑफिस निकलने के लिए। अभी फिलहाल 11:30 बज रहे, 1 घंटा है हम लोग को अभी निकलने के लिए फिलहाल। लेकिन हम लोग की सेकेंड जो मील है वो आ चुकी है यहाँ पे, बेसन का ऑमलेट और उसके साथ है सॉस। सो चेक कर सकते हैं क्वांटिटी, बेसन के ऑमलेट की अच्छी खासी क्वांटिटी है। सो चलते हैं, दबा के खाते हैं खाना, बिकॉज गर्मी हो, ठंडी हो, बारिश हो, कुछ भी सीज़न हो, गेनिंग करनी है तो करनी है। लोग बहुत सारे मिथ्स हैं सोशल मीडिया पे, लोगों से आप लोग सुनोगे कि गर्मी में गेन नहीं होता इसलिए लोग गर्मी में कटिंग करते हैं। सो ऐसा कुछ नहीं है, गर्मी में आप चाहो तो प्रॉपर डाइट के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ आप गेन कर सकते हो। हाँ, थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि गर्मी के टाइम आपका कैसा रहता है, वेदर इतना गर्म रहता है, आपको मन नहीं करता कोई काम करने का, खाना खाने का, ज़्यादा खाना नहीं खा पाते, ब्लोटिंग वगैरह होती है और आलस आता है, सुस्ती रहती है, उस वजह से गेनिंग नहीं हो पाती है प्रॉपरली डाइट के साथ। लेकिन अगर आप चाहो, कंसिस्टेंसी है, एफर्ट्स है, डिसिप्लिन है, सो आप गेनिंग हो, कटिंग हो, कुछ भी कर सकते हो। सो उसी तरह हम लोग भी चलते हैं, ये मील फटाफट फिनिश करता हूँ एंड देन फिर निकलेंगे हम लोग ये मील फिनिश करके ऑफिस के लिए। मेरे ख्याल से आज कोई पब्लिक हॉलीडे है, कुछ तो है आज, मेरे को याद नहीं आ रहा है, इसलिए आज यहाँ पे आप चेक कर सकते हो बहुत कम गाड़ी दिख रही है आप लोग को, और एकदम शांति शांति सा माहौल है, बिकॉज स्कूल कॉलेजेस ऑफिसर्स को बहुत सारे छुट्टी है आज, कुछ तो है, कैलेंडर में देखना पड़ेगा मोबाइल में मुझे। अभी फ़िलहाल 12:40 हो रहा है, मुझे लेना है मंथली पास, मेरा पास कल ख़त्म हो गया था, जो चलता हूँ पास लेता हूँ पहले, उसके बाद फिर चलते हैं स्टेशन पर और ट्रेन पकड़ के निकलते हैं ऑफिस के लिए। सर गाइस, 5 बज रहे हैं शाम के, और मैं आज थोड़ा लेट लंच कर रहा हूँ बिकॉज़ भूख नहीं लग रही थी, पेट फुल था। सो अभी लंच करने निकला था तो छाछ पीने का मन किया, कल भी पिया था, आज भी छाछ लेने आ गया था, 20 rupees का ये पैकेट है मसाला छाछ, बिकॉज इतनी गर्मी हो रही है ना, हीट भगाने के लिए चाहिए कुछ ना कुछ। सो चलता हूँ अभी स्टोर में, अपना लंच करता हूँ, छाछ पीता हूँ, और फिर क्या है क्या सीन देखते हैं अपना शाम का। कहाँ गई यार गली, मेरे को याद ही नहीं। हाँ इधर है। सर गाइस, आ चुके हैं हम लोग का आफ्टरनून का लंच, यहाँ पे है सैलड, पनीर फ्राइड राइस, और उसके साथ है यहाँ पे मसाला छाछ। सो चलता हूँ आज, जब भूख लगी है ज़ोरों की, अभी 5 बज रहे हैं, फटाफट अपना ये लंच फिनिश करता हूँ एंड देन मिलता हूँ आप लोग से। सर गाइस, रात के बज रहे हैं 10:10 और मैं आ चुका हूँ ऊपर बैक ऑफिस में, और यहाँ पे सब क्लोजिंग वगैरह करके मुझे जाना है नीचे। कहाँ गई चाबी यार, चाबी नहीं मिल रही है। चाबी मैं अपना बैग निकाल लेता हूँ लॉकर से,
सो चलता हूँ, मैं बैग ला दिया ऊपर, लेकिन यार मैं पानी का बॉटल चाहिए। एक्चुअली जो वॉचमैन है ना हम लोग के, जो स्टोर पे ध्यान रखते हैं रात के टाइम, वॉचमैन, उनके लिए एक जो क्या कहते हैं उसे, छोटा सा गोल सा बिस्लेरी का आता है ना, उसमें हम पानी भर के उनको देते। सो वो नीचे ही रह गया यार, मुझे वापस नीचे जाना पड़ेगा। वो लेके आता हूँ नीचे, उनके लिए भरता हूँ, एंड देन फिर वापस आके ऊपर पूरा लॉक वगैरह करके मिलता हूँ आप लोग। सो ये चेक करो, ये है वो टब जो हम लोग को पूरा फिल करना पड़ता है यार। अब इसमें टाइम लगेगा यार। इधर की स्टाफ ऐसी है ना यार, क्या बताऊँ आप लोग को, कोई काम ठीक से करना नहीं है, अपना अपना करके सब निकल जाते हैं, इधर लास्ट में हम लोग को फंसना पड़ता है। अब 10:15 हो रहा है, अब ये कब भरेगा, ये देख रहे हो, अब ये कब भरेगा। इसको भरूंगा, ये पूरा रूम लॉक करूंगा, उसके बाद नीचे जाऊंगा। अब बैठते थोड़ी देर यहाँ पे फैन चालू करके, जब तक पानी भरता है। बाकी यार गाइस दिन अच्छे कट रहे हैं आजकल स्टोर में, काम वगैरह ठीक ठाक है, बेसिक लाइक मेहनत हो रही है, ज़्यादा ना मेहनत करना पड़ रहा है ना ज़्यादा थकान वाला काम है। बट हाँ है कि बोरियत भी होती है थोड़ी, कभी कभी इतने कस्टमर आ जाते हैं फुर्सत नहीं मिलती है, कभी कभी कस्टमर नहीं आते, रिलैक्स चिल। आज जैसे कस्टमर नहीं थे, आज स्टाफ भी बहुत कम थे, आज खाली टोटल 3 स्टाफ थे पूरे स्टोर में, 2-3 स्टाफ ने लीव ले लिया था, मेडिकल लीव, सिक लीव, तो 2-3 लोग थे आज पूरे दिन स्टोर पे। उसके अलावा काम भी बहुत कम था, ये अच्छा हुआ कि 3 लोग थे और काम भी कम था, ऐसा नहीं कि 3 लोग हैं फिर काम भी बढ़ के आता है। अभी फिर भी आप लोग को बाहर का काम दिखाता हूँ कितना काम बचा है। 2 तारीख को एक्चुअली मर्चेंडाइजर की विजिट है हम लोग के स्टोर में, और ये चेक कर रहे हो, ये जो पूरा भसड़ है ना यहाँ पे, सब जो बिखरा पड़ा है ये पूरा पूरा सेट करना है। सो उन लोग के आने से पहले सब प्रॉपर सेट होगा। ये देखो यहाँ पे बॉक्सेस ये ओपन है, सब सेट करके प्रॉपरली पैक करके पीछे डालना है, वहाँ पे सब मैनीक्विन वगैरह वो सब ठीक करना है, सेट करना है, अंदर के ये सारे बॉक्सेस हटाने हैं, मतलब कुछ भी गंदगी दिखनी नहीं चाहिए, बिकॉज मर्चेंडाइजर के जो हेड है वो आएंगे, एरिया हेड। सो ये सब काम करना है। अभी 2 तारीख को विजिट है, आज है 29, सो तब तक सब काम निपटाना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा। मैं भी चलता हूँ गाइस, मिलता हूँ आप लोग से, सब फटाफट पैक कर लूँ, पानी भर के हो गया है, और मिलता हूँ आप लोग से अब सीधा मोस्ट प्रॉब्ली घर चल के। सो यार गाइस घर पे आ चुका हूँ और बहुत थक भी चुका हूँ, चलता हूँ अभी फटाफट, अपना डिनर आ चुका है, चलता हूँ डिनर करता हूँ। यहाँ पे रोटी, चने की सब्ज़ी, दूध और श्रीखंड, और फटाफट ये अपनी लास्ट मील फिनिश करके, सॉरी ये लास्ट नहीं है, इसके अलावा हम लोग को प्रोटीन शेक पीना है 1 स्कूप, मम्मी 1 गिलास दूध भी दे दो शेकर में, 1 स्कूप वे प्रोटीन पी के सोऊंगा फिर। सो चलता हूँ अभी फटाफट ये मील फिनिश करता हूँ, अभी फिलहाल चलता हूँ, आज के ब्लॉग को करता हूँ यहीं पे एंड। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो इसे लाइक करें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें। सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर। यार दूध गिर गया यार। ये चेक कर रहे हो, यहाँ पे थोड़ा सा 2 बूंद प्रोटीन शेक गिर गया है, मम्मी मेरी धुलाई कर देगी, अभी कल बताना पड़ेगा कि इसको धो दो। तो चलता हूँ, मिलता हूँ आप लोग से कल के वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, गुड नाइट।